डिजिटल भारत, प्रत्येक पहलू का, प्रत्येक चीज का दो पहलू होता है, एक सकारात्मक एक नकारात्मक। उसी तरह से डिजिटल भारत, डिजिटल भारत के भी दो पहलू हम बताना चाहते हैं आप लोगों को। डिजिटल भारत कहें, मतलब डिजिटल भारत या इंडिया जो भी कहें, फायदे बहुत सारे हैं। कुछ फायदे मैं आप लोग के सामने जिसे बताना चाहता हूँ। जस्ट आप देख रहे हैं प्रिंटिंग, प्रिंटिंग भी एक डिजिटल के माध्यम से है। पहले पेन के माध्यम से, हाथ से, ब्रश से किया जाता था, और अभी आप ये देख रहे हैं कि कंप्यूटराइज करके जो है सो हम इसको जस्ट प्रिंट ले लिए, ये भी एक डिजिटल है। आजकल सभी जगह ज़्यादातर काम डिजिटल के माध्यम से ही किया जा रहा है। जैसे आप पैसे लेन देन कर रहे हैं, ये डिजिटल के माध्यम से ही कर रहे हैं। जैसे फोन पे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, किसी को मेल भेज रहे हैं, आप व्हाट्सएप चैट कर रहे हैं, किसी को मैसेज कुछ कर रहे हैं, जो कुछ भी, ये सब जो टेलीफोन से आप बात कर रहे हैं, ये डिजिटल है। यदि आप पहले इसी को डिजिटल नहीं था तो मान लिया पत्र के माध्यम से लिखते थे, किसी को पत्राचार करते थे, तो उसमें ज़्यादा समय लगता था। अभी क्या है, ऐसा करने से कम समय लगता है। मतलब ये कहा जाए कि डिजिटल करने से समय की हमारी जो जो अधिक से अधिक समय लगता था, उस समय की हमें बचत हुई है डिजिटल के माध्यम से करने से। आप कोई भी ऑफिस चले जाएं, हर माध्यम आपको हर जगह जो है सो डिजिटल पे ही देखा जाएगा। मतलब इसके लिए इंटरनेट की आवश्यकता होती है। इंटरनेट मतलब जब से 1995 से जब से आई है, भारत की मैं बात कर रहा हूँ, विश्व स्तर पे नहीं। 1995 में जब इंटरनेट की शुरुआत हुई थी, उस टाइम से जो है सो धीरे धीरे जो है डिजिटल होता चला गया है। और इसके कई फायदे हम लोगों के, जैसे हमारे पास पैसे नहीं रहते हैं, सोचते हैं कि चलो मोबाइल में, फोन पे में है, ये सब है, कहीं भी चले जाते हैं और कुछ भी सामान परचेज करना होता है तो हम लोग आसानी से कर लेते हैं। पॉकेट में पैसे ना रखने से, मतलब यदि पॉकेट में पैसे हैं तो इससे क्या होता है कि चलो पैसे खत्म हो गए, अब क्या करें, बीच रास्ते में कर दें। लेकिन यदि हमारे पास फोन पे में किसी भी चीज में पैसे हैं तो चलो हम कुछ सामान परचेज किए हैं, बस उतना ही सेम टू सेम उतना जो है सो अपना ट्रांजेक्शन कर देते हैं। तो ये सब आपके फायदे हैं। इसका एक नुकसान क्या है कि जो चीजें हमें लिमिट में खर्च करनी चाहिए, यहाँ पे अनलिमिटेड हो जाता है। जैसे कि आपके पॉकेट में यदि 10 रुपया था, बाहर आप कहीं घूमने चले गए, या 100 रुपया है तो 100 रुपया है तो 100 रुपये तक ही आपको लिमिट रहेगा कि 100 रुपये खर्च करना है। लेकिन आप यदि आपके फोन पे पे या बैलेंस कितना भी बैलेंस हो, ऑनलाइन खर्च करना है, उसमें आपको क्रॉस नहीं पता चलता कि हमने कितना पैसा खर्च कर दिया। तो कुछ कुछ इसके एक नुकसान भी है कि हमें एक्स्ट्रा खर्च हो जाते हैं। और क्या इसके नुकसान है कि यदि हम लोग क्या, कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसे कॉल मैसेज ये सब आ जाते हैं जिसका आपको जो है सो खामियाजा भुगतना पड़ता है। जैसे कि कुछ फ्रॉड कॉल भी आते हैं, आपको हम ये बेनिफिट दे रहे हैं, आपका ये जो है लॉटरी लगा है, ये सब इस डिजिटल का ही एक नुकसान ही है। इसमें क्या होता है कि बस एक सिंपल सा कुछ मैसेज रहता है, कुछ लिंक रहता है जिसको हम लोग करते हैं, जैसे हमारे सारे डाटा जो है सो उसके हैकर तक जो है सो शेयर हो जाती है। शेयर हो जाने से क्या होता है कि हमारे जब डाटा हमारे लीक हो गई है, शेयर उसके साथ हो गया, तो कुछ भी कर सकता है वो। तो ये सब नुकसान है। उसके बाद फिर क्या है कि हम अपने जैसे भारत में इसका क्या योग, मतलब कि अर्थव्यवस्था पर क्या योगदान है। इसका योगदान ये रहा है कि आज के समय में यदि हम अपना कुछ माल का प्रोडक्शन यहाँ कर रहे हैं तो क्या होता है कि इसे हम यहीं तक सीमित बेच सकते हैं। लेकिन आजकल इतने ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म है कि उस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम दूर दूर तक सामान का जो भेज सकते हैं। पहले ऐसा नहीं था। डिजिटल का ये जो हमारी अर्थव्यवस्था फायदा है कि हम मान लीजिए 100 रुपये की चीज़ बना रहे हैं या 500 रुपये की चीज़, कुछ भी हम अमाउंट का ये बना रहे हैं, तो दूसरे देशों तक, अपने दूसरे प्रदेशों तक, भारत के दूसरे कोने तक अब बहुत आसानी से, आजकल हम लोग मिंत्रा है, फ्लिपकार्ट है, किसी भी चीज़ के माध्यम से हम लोग बस उसे लिंक हो जाते हैं, कुछ भी हमें सामान बेचना कर रहे हैं। जैसे गवर्नमेंट ऑफिस भी है तो भी क्या है, डिजिटल माध्यम से ही अपना ये खरीद रहा है। जैसे कि हमारा जेम है, गवर्नमेंट ई मार्केटिंग, तो गवर्नमेंट ई मार्केट है, हमारा गवर्नमेंट भी कहता है कि आप जो भी जो है सो सामान परचेस करना है तो जेम के माध्यम से करिए, ऑफलाइन आप नहीं करिए। अधिक से अधिक जो है सो ट्रांजेक्शन जो है सो आप जो है सो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से करिए। वहाँ एक एक ट्रांसपेरेंसी ये रहती है, एक ट्रांसपेरेंसी ये रहती है कि आपको जो है सो L1 पे ही जो है सो सामान को परचेज, सामान को जो है सो परचेज करना होता है। यदि ऑफलाइन में क्या है कि मान लीजिए आप 10 रुपये